नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेजबान तारक शेख। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। नायब तहसीलदार मंडी की जानिब से आज कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में सरप्राइज विजिट किया गया। इस दौरान वहां पर कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। इस हवाले से नायब तहसीलदार मंडी ने डिप्टी कमिश्नर पुंज को डिटेल रिपोर्ट सबमिट की है। उम्मीद की जा रही है कि वहां से एक्शन लिया जाएगा। इस मौके पर नायब तहसीलदार मंडी मोहम्मद तोयब ने बात करते हुए कहा कि पब्लिक की कंप्लेंट पे ये विजिट किया गया। इस इंस्पेक्शन के दौरान ये देखा गया कि ऑफिस तो खुला है लेकिन वहां पर कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। उनके मुताबिक अटेंडेंस रजिस्टर्ड और मोमेंट रजिस्टर्ड भी मेंटेन नहीं किया गया है। यही वजह है इसकी डिटेल डीसी पुंछ को सबमिट कर दी गई है। हाजरीन देखिए बाकी की रिपोर्ट न्यूज 19 उर्दू के साथ। सर क्या कहेंगे, आज आपने यहाँ का विजिट किया है, इस हवाले से बताइएगा। आज हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी मंडी का विजिट किया तो यहाँ पर देखा दफ्तर तो खुला हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई भी ना तो छोटा मुलाजिम ना तो बड़ा कोई मुलाजिम यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने उस पर विजिट डाल दी तो उनके हमने एक्सप्लेनेशन अपने डीसी साहब को देनी है, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। दफ्तर खुला है, कोई भी मुलाजिम है नहीं यहाँ पर बिल्कुल, ना कोई इनका मूवमेंट रजिस्टर भरा हुआ है। एक मिला हमें इसका जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें एक ही बंदा मोहम्मद हफीज़ है लेकिन उसका नाम भी नहीं है और आज के अटेंडेंस भी नहीं है। तो ना तो कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं है, ना तो मूवमेंट रजिस्टर, ना कोई भी इनका ऐसे सारा खाली पड़ा हुआ। दफ्तर वैसे खुला है लेकिन है कोई नहीं यहाँ पर। अब ये पता तो नहीं है, मुझे तो लगता है यहाँ कोई लोकल बंदा है जिन्होंने रखा हुआ जो दफ्तर खोल के चला जाता है वैसे ही, लेकिन यहाँ पर मुलाजम तो कोई भी नहीं है। तो अभी हमें पता चला तो इंशाल्लाह इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेंगे।